वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ या ये कह लो कि आज इस वीडियो में मैं जिस सवाल को उठाने वाली हूँ, ये वो सवाल है जो कि हर आदमी के दिलो दिमाग में चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बोल पाता है तो कोई नहीं बोल पाता है। तो मैं उसी सवाल की बात कर रही हूँ जिसे न जाने कितने लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कितनी बार पूछा है कि मैम, मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका साइज मैटर करता है या नहीं। तो जवाब हाजिर है, लेकिन जवाब सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ईयरफोन लगा के सुनिएगा। अब क्योंकि सवाल कुछ ऐसा है और जवाब आप सुनना चाह रहे हो रिया मल्होत्रा से, तो आप समझ सकते हैं कि जवाब कैसा होगा। जिन लोगों का जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज है वो छोटा होता है, वो हमेशा एक गिल्ट में रहते हैं। और जिन लोगों का जो साइज है वो बड़ा होता है, वो शेर बने घूमते हैं कि यार मेरा बड़ा है और बड़ा है तो बेहतर है। जिन लोगों का साइज छोटा होता है उनके दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती रहती है कि यार मैं अपनी वाइफ को या मैं अपनी पार्टनर को खुश नहीं रख पाता हूँ, वो मुझसे सेटिस्फाइड नहीं रहती है। और उनके दिलो दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती रहती है कि यार क्या साइज सच में मैटर करता है? और अगर सच में साइज मैटर करता है, इससे फर्क पड़ता है, तो मैं तो बेकार हूँ अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि मैं तो इस लायक हुई नहीं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, तीन रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं। एक तो ये कि कोई इंसान ऐसा होता है कि जो सरेंडर कर देता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि यार मेरे साथ तो ये दिक्कतें हैं, मेरे साथ तो ये परेशानी है, मैं तेरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता हूँ। तो वो मन ही मन में सरेंडर कर देता है और आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाता है कि अगर तेरी नज़र में कोई है जो तेरे को मेरे से ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सकता है, तेरी फिजिकल नीड को पूरा कर सकता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती है। दूसरा रिजल्ट क्या होता है कि लोग ककल्डिंग में घुस जाते हैं, ककल्ड हस्बैंड बन जाते हैं और अपनी वाइफ के लिए बुल ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ठीक है मेरी वाइफ मेरे पास भी रहेगी और बुल मैं कोई ढूंढता हूँ जो इसे सेटिस्फाइड करेगा और चीज़ें आराम से चलती रहेंगी। अब तीसरा रिजल्ट यहाँ पे क्या सामने आता है कि कुछ लोग होते हैं जो इन दोनों चीज़ों में नहीं पड़ते, वो क्या करते हैं तीसरा रास्ता अपनाते हैं, वो अपनी बीवी की फिजिकल नीड अगर पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी करने की कोशिश करते हैं। आई मीन उसकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं, उसको जो जो जब जब टाइम पर चाहिए तब तब उसके हाथ में उसके बोलने से पहले हाजिर करते हैं। लाइक फ़ोन ख़राब हो गया, ले मैं तेरे लिए फ़ोन ले आया। अच्छा सोने के कड़े पसंद आए थे तेरे को, उसके अगले ही बर्थडे पे उसके सोने के कड़े उसके हाथ में होते हैं। शॉपिंग करनी है, ये ले क्रेडिट कार्ड, जितनी शॉपिंग करनी है कर ले। मतलब कि उसकी ज़रूरतों का सारा ख्याल रखता है और कई बार उसको दबाने के लिए या उस पर अपना पूरा होल्ड बनाने के लिए अपनी जिस्मानी ताकत को भी दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि जेनिटल की ताकत उसके पास होती नहीं है, तो वो अपनी जिस्मानी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। मतलब मारना पीटना, उसके ऊपर हावी होना, उसके ऊपर शासन करने की कोशिश करना और उसे दिखाना कि देख मैं मर्द हूँ, मैं तुम्हें उस चीज़ से तो अपनी मार नहीं सकता लेकिन थप्पड़ से ज़रूर मार सकता हूँ। तो वो इस तरह से अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है उसकी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका साइज बड़ा होता है, तो उनकी क्या साइकोलॉजी होती है। तो जिन लोगों का प्राइवेट साइज बड़ा होता है वो पहले से इस चोड़ में घूम रहे होते हैं कि भैया मेरे पास तो बड़ा है और बड़ा है तो बेहतर है। अब बात यहाँ पे समझिए कि ये है कि जिनका साइज छोटा होता है कम से कम वो हकीकत में तो जी रहा होता है कि हाँ भैया मेरा साइज छोटा है, लेकिन जिनका साइज बड़ा होता है वो तो एक छलावे में ही जी रहा होता है। तो उनको बस यही लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं, और मर्दानगी में अगर मर्द की बात की जाए तो सच्चा मर्द तो मैं ही हूँ। उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि भाई मर्द को मर्द साबित करने वाली इकलौती चीज यही है, तो वो बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते, तो कहीं ना कहीं उनकी जो वाइफ होती है वो भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है। तो जिन लोगों का जो प्राइवेट साइज है वो अगर छोटा होता है वो भी अपने बेड पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, और जिनका साइज बड़ा होता है तो वो इस भ्रम में रह के कि भैया मेरा तो बड़ा है, मेरा तो इतना इंच है, मेरा तो उतना इंच है, वो बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते और उनकी वाइफ भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहती हैं। अब क्योंकि बड़ा वाला बड़ा लेकर बैठा है तो वो जाहिर सी बात है जेनिटल का सुख देने में तो सक्षम है, लेकिन पूरी बॉडी को कैसे तृप्त किया जाता है, एक फीमेल बॉडी को कैसे तृप्त किया जाता है ये उसको नहीं पता होता। मानसिक रूप से किसी फीमेल को कैसे तृप्त किया जाता है इसके ऊपर वो वर्क नहीं करता, तो वो 95% जो बॉडी का हिस्सा है उसको पूरा कम्प्लीटली छोड़ देता है और जो 5% जो फीमेल का हिस्सा होता है उसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमा रहा होता है। मतलब प्लेन को तो यही लैंड कराना है जी। तो ऐसे में क्या होता है, जो उसकी वाइफ होती है कहीं ना कहीं अधूरी सी रह जाती है, सामान बड़ा होने के बावजूद भी अधूरी रह जाती है, क्योंकि उसके जो हस्बैंड है उसने उसको जेनिटल का सुख दिया, उसे उसके मन का सुख नहीं दिया, उसके उसके शरीर का सुख नहीं दिया। चलो तो बात करते हैं कि साइज मैटर करता है या नहीं करता है। तो इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं कि भाई फीमेल का जेनिटल है, उसमें कोई चीज़ एंटर करती है तो
फील होता है, उसे पता लगता है कि क्या गया क्या नहीं गया। अब जैसे आप मटर मुंह में डालो कैसा फील होगा, गाजर मुंह में लोगे कैसा फील होगा, केला मुंह में लोगे कैसा फील होगा। तो सेम वैसी ही चीज है, फीमेल के जेनिटल में कोई चीज जाती है तो कितनी गई, कितने साइज की गई, ये चीजें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैटर नहीं करती। अब जिसका छोटा होता है वो क्या सोचता है, क्या मेरा मटर है, मेरा गाजर है, क्या है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन जिसका बड़ा होता है वो सोचता है क्या है, मेरा तो केला है, और पीला भी नहीं हरा वाला है, मद्रासी केला, तो वो अपनी आठ में रहता है। तो बात अगर किसी फीमेल को फील कराने की है कि उसे लगे कि हाँ कुछ गया, तो बिल्कुल साइज मैटर करता है। लेकिन अगर ऐसे में कोई ये सोच ले कि भैया मेरा तो केला है और वो भी मद्रासी केला, तो मेरी जो बीवी है वो तो मुझसे हमेशा खुश रहेगी रहेगी। और अगर कोई ये सोचे कि मेरा तो मटर है या मेरी तो गाजर है और मेरी बीवी तो कभी मुझसे खुश रहेगी नहीं, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सी, मुंह का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, लेकिन वो जो चीज है उसके अंदर जो चीज गई वो उसके साइज के हिसाब से अपना साइज सेट कर लेती है। हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट की थिकनेस 2.5 इंच की है तो फीमेल के जो जेनिटल है उसके जो अंदर का जो स्पेस है वो 2.5 इंच की अपनी जगह बना लेगा। आप इसे एक और एग्जांपल से समझिए, लाइफस्टाइल कपल का एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा बोल्ड है। जैसे लाइफस्टाइल कपल, आपको पता ही है कि इनकी जिंदगी में, जिंदगी मतलब फन 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 यही होता है। तो अब इनके क्या चल रहा होता है कि रूटीन में इनकी लाइफ जैसे चल रही होती है, बोर हो जाते हैं तो ये बुल वगैरह को हायर करते रहते हैं। अब ऐसे किसी के दिमाग में आया कि भैया मुझे तो बुल चाहिए लेकिन नीग्रो चाहिए, बीबीसी बड़ा फेमस है इनमें, तो ये नीग्रो को हायर करते हैं। नीग्रो मतलब उनका जो एवरेज साइज होता ही 8 इंच है। तो जब वो अपनी वाइफ को उस बुल से शेयर करता है, कोकल्ड हस्बैंड, अब क्योंकि जो हस्बैंड है उसका 4 इंच का है, अब मान लो जो वाइफ है वो डेली बेसिस पे अपने हस्बैंड के साथ कर रही है 4 इंच के साथ, और वो नीग्रो के साथ करती है 11 इंच का, तो कहाँ चिल्लाती है, वो निगल जाती है। वो 4 इंच का रोज करने वाली उसके साथ 11 इंच को भी निकल जाती है, हॉस्पिटलाइज थोड़ी ना होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुदरती ये चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि जो फीमेल का जो जेनिटर है वो सामने वाले के साइज को देखकर अपना साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर लेता है। तो आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरी वाइफ को बड़ा ही चाहिए या मेरी वाइफ को छोटा चाहिए ही नहीं। अगर उस फीमेल को रेगुलर कोई चीज 4 इंच की ही मिल रही है तो उसकी जो जगह है वो सिकुड़कर उसी लेवल पर सेट हो जाएगी 4 इंच पर ही। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चीज है ये फैलने और सिकुड़ने की चीज है। तो आप ये मानकर चलिए कि जो आपकी वाइफ है वो आपके साइज से खुश है, उसके साइज ने आपके साइज से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इसी गलतफहमी का शिकार मत बनिए आप, ये गलतफहमी मत पालिए अपने दिमाग में, इसको निकालिए अपने दिमाग से। अब बात करते हैं कि अगर किसी का प्राइवेट पार्ट साइज में बड़ा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी जो बेड पार्टनर है उसको सेटिस्फाइड कर ही देगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी का जो प्राइवेट पार्ट है वो छोटा है तो वो अपनी बेड पार्टनर को सेटिस्फाइड बिल्कुल कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पर साइज मैटर नहीं करता, यहाँ पर मैटर करता है आपका आर्टिस्टिक होना, कि आप कितने आर्टिस्टिक हैं। अपने पार्टनर के साथ आप जब बेड पर 1 घंटा बिताते हैं तो उस 1 घंटे में 55 मिनट आप करते क्या है, क्या खेल खेलते हैं आप। क्योंकि जेनिटल का जो साइज है वो तो बस 5 मिनट के लिए मैटर करता है लास्ट में, बाकी 55 मिनट आप क्या करते हो, कैसा खेल खेलते हो, कितने आर्टिस्टिक हैं आप। फीमेल के बॉडी पार्ट में सिर्फ एक यही चीज नहीं है जो कि मेल से अपोजिट है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है उसे जो कि मेल से एकदम अपोजिट है। जो फीमेल बॉडी है पूरी खेलने की चीज है, कितना खेलते हो आप। फीमेल की बॉडी पार्ट में इतनी चीजें हैं खेलने की, कितना खेलते हो आप। और उस चीजों से खेलने के लिए 6, 8, 11 इंच की जरूरत नहीं होती, उन चीजों से खेलने के लिए हाथों की जरूरत होती है, उंगलियों की जरूरत होती है, लिप्स की जरूरत होती है, टंग की जरूरत होती है, आर्टिस्टिक टच की जरूरत होती है। खेलते हो आप, बस वो जो 5% स्किन जो है उसकी, उसके पीछे लग जाते हो, 95% जो उसका हिस्सा है बॉडी का, जो स्किन है उसकी, उसको छोड़ देते हो। अब अगर मान लो किसी का जो प्राइवेट पार्ट है वो छोटा है लेकिन वो काम कला में कुशल है, काम कला का माहिर है, उसे पता है कि एक फीमेल की बॉडी के साथ खेला कैसे जाता है, तो वो तो 55 मिनट में खेल जाएगा ना, वो तो हर सेकंड में उसे पानी पिला देगा। तो जब वो अपना लास्ट में 5 मिनट के लिए अपना वो हथियार निकालेगा और गोली चलाएगा तो उस फीमेल को वो 5 मिनट अखरेंगे नहीं, शी इज टोटली सेटिस्फाइड। और जो अब एक बंदा जो 8-11 इंच लेकर बैठा और धाएं धाएं कर रहा है, हर 2 दिन बाद उसकी वाइफ को चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि आप उसके जेंटल की भूख पूरी कर रहे हो, उसको तृप्त तो कर ही नहीं रहे हो। भूख पूरी करने में और तृप्त करने में फर्क होता है। अब इसे आप एक और एग्जांपल से समझिए कि 2.5 फुट का बोना
बोने की बात कर रही हूँ मैं, तो बोने का आप आकार समझ सकते हो कि कैसे होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं, हाथ पैर कैसे होते हैं उनके आप समझ सकते हो। और अगर मैं ऑल ओवर बॉडी का साइज ही 2.5 फुट बता रही हूँ तो आप उसका जेनिटल का साइज भी समझ सकते हो। लेकिन आप जानते हैं इस बोने की वीडियो इतनी वायरल हुई थी आज से पता नहीं कुछ टाइम पहले कि लड़कियों की लाइन लगती थी उसके आगे, किस लिए, उससे किस पाने के लिए कि भैया हमें किस कर दो। यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि बोने की कितनी डिमांड थी, कितनी ही फीमेल पैसे लेकर उसके लाइन लगा के आगे खड़ी होती थी कि हमें किस कर दो। तो आप इससे समझ सकते हैं चीजें कि जो साइज है वो मैटर नहीं करता है, आर्ट मैटर करती है। तो डियर कंक्लूजन ये है कि बात अगर जेनिटल की हो तो साइज मैटर करता है, लेकिन बात अगर सेटिस्फाइड करने की है तो साइज मैटर नहीं करता है। तो खुशी मनाइए, आपका जो भी साइज है वो एक्यूरेट है आपकी वाइफ के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेलिब्रेट सेलिब्रेट योर साइज, खुशी मनाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।